हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं अपकमिंग टूर्नामेंट्स के बारे में बताता हूँ। बहुत लोग कमेंट्स करते थे कि सर टूर्नामेंट्स के बारे में मुझे पता नहीं चलता है, सर टूर्नामेंट कहाँ पे है, कब होना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, बाकी सब कुछ वो डिटेल्स पूछते थे और उन्हें पता नहीं चलता तो वो टूर्नामेंट स्किप हो जाता था। इस वजह से मैंने सोचा कि सबको इंडिविजुअल रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूं ताकि सबको पता चल जाए और सारे जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो सके। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंकिंग के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वो वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन से कैटेगरी में टूर्नामेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कब से हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एमपी स्टेट में जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे उसके बारे में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अदर स्टेट के भी जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में भी मैं अभी डिटेल्स कहीं कहीं से सोच रहा हूँ लेने का, और उसके बाद मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी भी अदर स्टेट से हो तो प्लीज़ आप मेरे ईमेल पे उस टूर्नामेंट के डिटेल्स को सेंड कर दीजिए ताकि मैं और भी लोगों को बता सकूं और कोई भी प्लेयर उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से वंचित ना रह सके। तो आज जो मैं टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये हमारा मध्य प्रदेश स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023। तो ये कब से है? ये है 15 जून से 20 जून को और ये होने वाला है विदिशा में। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये है अंडर 17 एंड अंडर 19, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। तो इस टूर्नामेंट में आपको सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि गर्ल्स अंडर 17 एंड बॉयज अंडर 17 में आपको सिंगल्स, डबल्स एंड मिक्स डबल्स तीनों कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो इस टूर्नामेंट में आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितने भी स्टेट टूर्नामेंट होते हैं उसमें आपको उसी स्टेट से होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो? तो इस टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास MPBA ID होना चाहिए, यानी कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का जो ID होता है, प्लेयर ID होता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। चलो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जाके वो फॉर्म डाउनलोड कर लो, उसको आप भर के उसके बाद आप उसको जाके अपने डिस्ट्रिक्ट जो बैडमिंटन एसोसिएशन होता है उसे जाके आप सबमिट कर दो, उससे आपका जो प्लेयर ID है वो जनरेट हो जाएगा। फिर आप MP में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं आप उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो आई होप अभी मैंने आपको क्लियर किया होगा कि ये टूर्नामेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये टूर्नामेंट कब से है और इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और प्लीज़ आप अपने ये दोस्तों तक शेयर करो ताकि उन्हें भी इस टूर्नामेंट के बारे में पता चल सके, और जो भी आपका दोस्त अगर MP से कोई भी है तो उसे ये चीज़ इस वीडियो को जरूर भेजना ताकि उन्हें पता चल सके और वो पार्टिसिपेट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।